तो टीम इंडिया फिर से फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। 17 सालों के लंबा इंतजार के बाद टीम इंडिया चैंपियन बनी है और यह इमोशनल मोमेंट है हर एक इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए, चाहे वह रोहित शर्मा का फैन हो या फिर विराट कोहली का, क्योंकि दोनों ने बेहद ही बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। तो क्या है वह पूरी अपडेट रोहित विराट, इसके अलावा टीम इंडिया से क्या बड़ी अपडेट जुड़ी हुई है, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले हम विराट कोहली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने जैसे ही अनाउंसमेंट किया रिटायरमेंट को लेकर चारों तरफ मातम छा गया। जी हाँ दोस्तों, T20 से अब विराट कोहली रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली T20 मुकाबले टीम इंडिया से खेलते हुए नज़र नहीं आने वाले हैं। यह सुनकर ही दिल बैठ जाता है। विराट कोहली को खेलते हुए देखना आदत हो चुका है T20 में, ऐसे में अब वह नहीं होंगे टीम इंडिया में तो अजीब सा फीलिंग होने वाली है। मेरे साथ तो ऐसा होने वाला है क्योंकि मैं शुरू से ही विराट कोहली का सुपर वाला फैन रहा हूँ। इसके अलावा बता दें कि विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच बने हैं। कहा जाता है ना, बड़ा प्लेयर बड़े मुकाबले के लिए होते हैं। विराट कोहली को बेहद ही ज़्यादा आलोचना भी किया जा रहा था कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सभी को मुंह पर ताला लगा दिए हैं विराट कोहली अपने इस शानदार परफॉर्मेंस से। मुश्किल पिच थी, रन बनाना मुश्किल था, लेकिन विराट कोहली डटे रहे, लड़ते रहे और टीम इंडिया को एक बेहतरीन जीत दिला दी। फिर बात करते हैं अगले लेजेंड रोहित शर्मा को। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा टीम इंडिया के करंट कप्तान भी है तीनों फॉर्मेट के, लेकिन अब एक फॉर्मेट कम हो चुका है क्योंकि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले चुके हैं T20 से। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक बेहद ही मेरे लिए इमोशनल मोमेंट है क्योंकि रोहित शर्मा को भी हम शुरू से खेलते हुए देख रहे हैं और वह भी नहीं होंगे तो एक अजीब सा फीलिंग होने वाला है, क्योंकि T20 में रोहित शर्मा के कई ऐसे रिकॉर्ड है जिसे भुलाए नहीं भूले जा सकते हैं। इसी वर्ल्ड कप में किस प्रकार का परफॉर्मेंस कर रहे थे रोहित शर्मा हम सभी ने देखे। ऐसा लग रहा था कि अभी 2-3 साल तो आराम से खेल सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें लगा कि इससे बेहतर कोई पल नहीं हो सकता है रिटायरमेंट के लिए और इसीलिए वह रिटायरमेंट घोषित भी कर दी। वनडे टेस्ट खेलते हुए नजर आने वाले हैं रोहित शर्मा, लेकिन अब वह T20 में नजर नहीं आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर के बाद कहते दोस्तों, टीम इंडिया जो कि इतिहास रच दिया है। यहाँ दोस्तों, वेस्ट इंडीज इंग्लैंड के बाद तीसरी टीम बन चुकी है जो कि T20 वर्ल्ड कप 2 बार जीती है। दोस्तों यह कारनामा जो कि वेस्ट इंडीज 2 बार कर चुकी है और इंग्लैंड भी, अब टीम इंडिया भी यह कारनामा कर दी है। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी अपडेट जुड़ा हुआ था टीम इंडिया से, रोहित से, विराट से। आपका क्या राय इस खबर के लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।